हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेनियम ट्यूटोरियल। अभी हमने देखा था कि कैसे हम इम्प्लिसिट वेट्स को यूज करते हैं और कैसे वो हमारे वेब एलिमेंट को फाइंड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक वैल्यू दे रहे हैं टाइम की, ना कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे वेट लगा रहे हैं, ना कि हम उसको कह रहे हैं कि जब तक ये एलिमेंट वेट लोड हो तब तक कोई वेट करो, या एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पेज पे कोई चेक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मिनट या दो मिनट का टाइम आउट दे दिया और उसके बाद जब हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि उस एलिमेंट में क्लिक करना है या नहीं करना, वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये सब कुछ बाद में पता चल रहा है। तो अगर हमने पर्टिकुलर एलिमेंट पर चेक लगाना है तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट वेट। तो एक बार ही हम एक और क्लास बनाएंगे, वेट एक्सप्लिसिट, एक मेन मेथड बनाएंगे क्रोम ड्राइवर पे जाएंगे, ड्राइवर डॉट गेट, अभी के लिए फिर से रेडिफ डॉट कॉम ले लेते हैं, क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट किया। अब जो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो होगा वेब ड्राइवर वेट का, इसको इंपोर्ट करेंगे और इसमें आर्ग्यूमेंट जाएगा इसमें जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो होगा ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो हमने यहां इनिशियलाइज किया, और उसके बाद टाइम आउट इन सेकेंड्स, लेट्स से 10 सेकेंड का मैं टाइम आउट देता हूं। ये सेम टाइम आउट वैल्यू है जो हमने कही थी इम्प्लिसिट टाइम आउट में, लेकिन यहां पर हम इसे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद मैं कह रहा हूं कि वेट और कुछ भी कंडीशन दे सकता हूं, लेट से वेट डॉट अंटिल तो जब तक एक कंडीशन मेरी फिल नहीं होगी तब तक मैं उसे वेट करूंगा, एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की विजिबिलिटी जो है वो यहां पर आएगी। तो लेट्स से मेरा एक वेब एलिमेंट है टेस्ट, फिर से हम रेडिफ पे जाएंगे, मान लो कि यही मेरा एलिमेंट है, यहां मैं टेस्ट पास कर दूंगा, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट विजिबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो इसको मैं कहूंगा कि जब तक मेरा ये विजिबल नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना है, लेकिन ये कब तक वेट करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, जब तक यहां पर मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड जो भी टाइम आउट वैल्यू दे रहा हूं वो नहीं हो जाती, लेट्स से मैं इसे 100 सेकंड दे देता हूं, तो ये तब तक वेट करेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां पर अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बस हम इसे बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी के लिए। पुराने ब्राउजर्स क्लिक क्लोज कर रहे हैं, ब्राउजर ओपन हो गया, रेडिफ पे गया, पेज लोड होगा और आगे कुछ नहीं किया हमने, तो ये अभी वेट कर रहा है उसका, और ये लोड हो चुका है इसलिए अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट डॉट क्लिक, अब हमने क्लिक भी करवाया है तो फिर से इसे एग्जीक्यूट करेंगे,
रेडिफ क्लिक पे नेविगेट हुआ और क्लिक कर दिया इसने। यहाँ पर वेट बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही वो लोड हुआ वैसे उसने क्लिक कर दिया। फिर से हम यहाँ पर एक गलत वेबसाइट डालते हैं जैसे हमने इम्प्लिसिट के केस में डाली थी। इस केस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारा टाइम आउट है वो एक्सपेक्टेड कंडीशन पहले जे चेक होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं, यह rediff1.com पे जा रहा है और यहाँ पर इसने तुरंत ही एक्सेप्शन दे दिया। वहां पर क्या था कि टाइम आउट वैल्यू आती है जब वो ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट करता है, उसके बाद वो पहले वेट करता है 10 सेकंड का इम्प्लिसिट के केस में, या इतने सेकंड का उसने वेट किया और वो देखता रहता है कि क्या मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन वो एक मिनट के लिए जो भी हमने वैल्यू दी उतनी देर के लिए वेट कर रहा था इम्प्लिसिट के केस में, और उसके बाद उसने एक्सेप्शन दिया। एक्सप्लिसिट के केस में ऐसा नहीं है, वो वेट करेगा, लेकिन अगर पेज लोड हो चुका है और उसके बाद भी एलिमेंट विजिबल नहीं है तो वो तुरंत एक्सेप्शन दे देगा। तो फिर से डिफरेंस बता देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप के केस में चाहे कुछ भी हो जाए वो वेट करेगा और वो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी वैल्यू दिए उतनी देर वेट करेगा और उसके बाद एक्सेप्शन देगा, और या फिर क्लिक भी वो उतनी ही देर बाद करेगा। इम्प्लिसिट के केस में अगर उसे एलिमेंट मिल जाता है तो वो उसी टाइम क्लिक करेगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो वो उतनी देर बाद ही एक्सेप्शन देगा। एक्सप्लिसिट के केस में अगर मिल जाता है तो उसी टाइम क्लिक करेगा जो इम्प्लिसिट में भी है, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट नहीं मिलता और पेज लोड हो जाता है तो वो उसी टाइम एक्सेप्शन दे देगा, जबकि इम्प्लिसिट के केस में वो उतने टाइम बाद वेट करता है और फिर वो एक्सेप्शन देता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस चीज को भी ओवरकम किया गया है। फॉर लेट्स से आपका पेज लोड हो गया और आपका जो टाइम आउट है, या पेज लोड नहीं हुआ और आपका टाइम आउट है 100 सेकेंड, इस केस में वो तब तक वेट करेगा और फिर चेक करेगा। लेकिन आगे जो हम देखेंगे वो होगा फ्लोट टाइम आउट। उस केस में क्या होता है कि फ्लोट टाइम आउट जो होता है उस केस में वो बार बार एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पोलिंग करता है, उसमें एक पोलिंग टाइम भी होता है और एक टाइम आउट होता है। तो वो लेट से 5 बार मुझे हर 20 सेकंड में पोल करना है तो 100 सेकंड के बाद वो टाइम आउट करेगा। तो ये एक अलग ही डिफरेंट कंसेप्ट है, तो वो हम आगे सीखेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर वेट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वेट करने के लिए जैसे कोई भी कंडीशन लगानी है, एक्सपेक्टेड कंडीशंस, तो आप ये कर सकते हैं एलिमेंट एट्रीब्यूट में ये होना चाहिए, जो भी आपने एट्रीब्यूट्स हमने पहले उठाए हैं इसमें वेब एलिमेंट या बाय लोकेटर से आप एलिमेंट सर्च करके की वैल्यू पेयर में डेटा दे सकते हैं। अगर वो है तो आप आगे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एलिमेंट सिलेक्शन स्टेट, मान लो इनेबल्ड है, सिलेक्टेड है या नहीं है, ये सब कुछ। एलिमेंट क्लिकेबल है या नहीं है, फ्रेम अवेलेबल है या नहीं है, तभी स्विच करेंगे हम उसके ऊपर। जैसे हमने विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट देखा था, अगर एलिमेंट इनविजिबल हो रहा है, जा रहा है, तो ऐसे ही इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट होगा। जावास्क्रिप्ट एक्सेप्शन, जेएस रिटर्न वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट जो हमने देखा है, प्रेजेंट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स, ऐसे कई सारे हैं। टेक्स्ट से भी, टाइटल, यूआरएल, विजिबिलिटी, तो कई सारी एक्सपेक्टेड कंडीशन से आप सर्च कर सकते हैं या यूआरएल से भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ही पूरी एक मेथड्स है आपके पास बहुत सारे, तो आप कोई भी कोई भी आप कंडीशन दे सकते हैं और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ इनविजिबिलिटी करा था, अगर आप यहाँ इनविजिबिलिटी कर देंगे तो ये देखेगा कब ये इनविजिबल हो रहा है और तब चेक करेगा, तब आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लोट टाइम आउट को यूज करके वेब एक्सप्लिसिट टाइम आउट के भी जो प्रॉब्लम्स है, जो लिमिटेशंस है, उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।